जी हाँ, तो खेसारी लाल यादव के चाहने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और साथ साथ खेसारी लाल यादव के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि खेसारी लाल यादव वो कारनामा कर दिए हैं कि खेसारी लाल यादव के चाहने वाले लोगों के लिए आज के दिन बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग खेसारी लाल यादव को चाहने वाले हैं, प्लीज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि खेसारी लाल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़ी हस्ती हो, उन तमाम लोगों का न्यूज इसी चैनल पे अपलोड होती है और सच दिखाने का कोशिश किया जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। चलिए, तो खुशखबरी यह है कि खेसारी लाल यादव, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि खेसारी लाल यादव के ऊपर 3 साल तक का रिस्ट्रिक्शन लगा था। दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से यह फरमान दिया गया था खेसारी लाल यादव को कि आप किसी भी चैनल पे 3 साल तक कोई भी गाना अपलोड नहीं कर सकते हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि खेसारी लाल यादव का करियर पूरी तरीके से बर्बाद, मतलब खत्म, कोई पहचानेगा नहीं, कोई वजूद नहीं था। लेकिन उसका जो मेन पार्टीशन करने वाला है वो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, उसी के तरफ से ये एफआईआर की गई थी और कोर्ट में ये निर्णय लिया गया कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन सही बोल रहे हैं और खेसारी लाल यादव गलत किए हैं, इसलिए आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है कि 3 साल तक आपको गाना नहीं गाना है। खेसारी लाल यादव पैसे से पूरी तरीके से सिंगर है, एक्टर है, टोटली वर्क, टोटली इनकम, जितना भी काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों से होता है, फिल्मों से होता है, और उसी से उनका पेट चलता है, उनका परिवार चलता है। लेकिन 3 साल तक खेसारी लाल यादव एक सिंगर है और वो सिंगिंग करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनका गला पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उनको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी फेंकाए चल रहे हैं। लेकिन 3 साल तक खेसारी लाल यादव अगर रुक जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो फेकाई चल रहे हैं वो आगे आ जाएंगे और खेसारी लाल यादव का जो ट्रेंडिंग स्टार का टैग है वो बर्बाद हो जाएगा, छीन जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि खेसारी लाल यादव ऐसे ही चुप रहेंगे? नहीं। और मैं आप तमाम लोग बता दूं कि इससे पहले मैं बोला था कि खेसारी लाल यादव के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव बहुत ही जल्द किसी नए चैनल पे, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी नए चैनलों पे बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और जैसा कि सप्ताह में 2-2 गाना अपलोड किया करते थे खेसारी लाल यादव, उसी तरीके से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अगले सप्ताह के अंदर अंदर, और यह है पुख्ता जानकारी, उसका भी मैं प्रमाण आप लोगों के सामने रख दूंगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव की पूरी टीम और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर के साथ ये वार्तालाप हुई है कि खेसारी लाल यादव गाना तो गाएंगे लेकिन 30% 200 गानों के लिए, सिर्फ 200 गानों के लिए किसी भी चैनल पे अगर खेसारी लाल यादव गाना अपलोड करते हैं तो 30% ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को मिलेगा अर्निंग, और 70% में खेसारी लाल यादव और किसी भी चैनल के ऑनर्स को वो डिवाइड कर दिया जाएगा। यही हुई है बात आपस में समझौता, और यही चीज जल्द ही कोर्ट में जाएगा और कॉम्प्रोमाइज का प्रक्रिया पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उसके बाद कोर्ट के तरफ से आदेश दिया जाएगा कि यह कॉम्प्रोमाइज सही है और इसी आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। तो खेसारी लाल यादव का बहुत ही जल्द आप लोगों को गाना सुनने को मिलेगा और उसी तरीके से गर्दा आप लोग उड़ाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव भैया ट्रेंडिंग स्टार है और ट्रेंडिंग स्टार कभी चुप होने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, हमेशा ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने वाला इंसान है। तो बहुत ही जल्द दिल थाम करके बैठे रहिएगा, बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव का गाना अपलोड होगा और जैसा ही अपलोड होगा या जरा सा भी कोई अनाउंसमेंट होगा बहुत ही जल्द उसी दरमियान उसी टाइम में वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा। तो प्लीज आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो अपलोड आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। चलते मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरफ से ऐसा कोई बात अभी फिलहाल निकल करके नहीं आई है कि ये लोग दोनों का समझौता हुआ है या कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर खेसारी लाल यादव कोई भी चैनल पे गाना गाएंगे तो 30% ग्लोबल म्यूजिक के
के पास जाएगा और 70% आपस में बांटेंगे खेसारी लाल यादव। इसमें अभी फिलहाल सच्चाई सामने नहीं आई है, हाँ ये गुप्त सूचना के अनुसार ये बात बताई गई है जो कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किया हूं। लेकिन जब सच्चाई पता चलेगा, एकदम से रियल चीज बाहर निकल के आएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा और आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाने का कोशिश करूंगा। लेकिन लास्ट लास्ट तक एक बात और बोलना जरूर चाहूंगा कि हमारा चैनल इस चीज का जिम्मेवारी नहीं लेता है कि ग्लोबल म्यूजिक और खेसारी लाल यादव के साथ अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ होगा जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। जय हिंद।